एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज। ठीक है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, कौन सा टर्म दोनों का इक्वल है ये हमसे बोल रहा है। दो एपीज आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो आप बोल देंगे लेट nth टर्म इज इक्वल, ठीक है। सो देखो एपी आपके पास दो एपी हैं, एक इधर एपी है और इधर एपी टू है। मैं लिख देता हूँ एपी क्या दे रखा है, 63, 65 ऐसे चल रहा है, और इधर का है बेटा 3, 10 ये चल रहा है। सो इस वाले एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 63 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म यानी कि 2, ठीक है। दोनों का nth टर्म के बारे में हमें यानी कि n हमें निकालना है, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है बेटा 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है। दोनों का nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में n n ही लिखना है, यानी कि एक का कैपिटल n लिख रहे हो एक का स्मॉल n लिख रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। ये पहले वाला है, ये पहले दूसरा वाला है, ठीक। तो पहले वाले का जो a है वो 63 है, n निकालना है, और d हमारे पास कितना है 2 है। दूसरे वाले में a 3 है, n हमें निकालना है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा मैं इधर सॉल्व करोगे 63 प्लस के 2n माइनस के 2, ठीक, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस के 7n माइनस के 7। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे हम, सो देखो बेटा 63 में से 2 माइनस करोगे 61 प्लस के 2n इधर आ जाएगा 7n माइनस के 3 में से 7 माइनस करोगे 4। नंबर को एक तरफ लिखोगे प्लस का 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n, ठीक। नंबर्स को एक तरफ लिखा और शब्दों वाले को एक तरफ लिख दिया, 65 इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, 5 1 5 5 3 15, सो n की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। ये हमारा आंसर है, मतलब इस एपी का 13 टर्म और इस एपी का 13 टर्म आपस में इक्वल आएगा, ठीक है। आप चाहो तो वेरिफिकेशन करके भी हम देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ दोनों में 13 टर्म इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ बोली नहीं गई है बट हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, 13 टर्म इस एपी का यानी कि ए प्लस 12d, ठीक है, और इधर 13 टर्म यानी कि ए प्लस 12d, दोनों का निकाल के दिखाता हूँ। पहले का ए 63, डी हमारे पास 2, 12 2 24 तो यह आ जाएगा 87। सेकेंड वाले का निकालते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है 3 है और जो डी है वो 3 है, 7 है, 12 7 84 84 एंड 3 ये हो जाएगा 87। सो आप खुद देखो बेटा इस एपी का 13 टर्म भी 87 है और इस एपी का भी 13 टर्म 87, ठीक है। सो आंसर का जस्टिफिकेशन भी मैंने दे दिया, जो कि बोला नहीं गया था बट हमने दे दिया। सो आंसर हमारा कितना है, 13 है।